बुधवार को 8 जून से 10 जून तक चलने वाले मार्कंडेय चंद स्मारक यूनेक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ धर्मपुर स्थित लेविंस बैडमिंटन एकेडमी में किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता को 1,00,000 नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र एमएलसी सीपी चंद ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों से परिचय प्राप्त कर किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद खेलों के शौकीन थे। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष बैडमिंटन प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। इस वर्ष भी स्टेट स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से बैडमिंटन के क्षेत्र में बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी हुए हैं। सैयद मोदी जनपद से ही निकलकर नेशनल चैंपियन रहे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों ने बैडमिंटन चैंपियनशिप का हिस्सा बने। जनपद में इस प्लेटफॉर्म से लोकल बच्चे आगे जाने में सक्षम होंगे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र अरुण चंद, गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजित श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र एमएलसी सीपी चंद ने कहा, जो आप सबको हमारी शुभकामनाएं।
पंडित मार्कंडेय चंद जो कि उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भी रहे और एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति इस पूर्वांचल के थे, उनके स्मृति में यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के द्वारा यह मान्यता प्राप्त है और इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से सभी जिलों से लगभग 125 के आसपास बच्चे भाग ले रहे हैं। यहाँ पे सिंगल और डबल्स दोनों प्रतियोगिताएं होंगी। ये जो नई पौध है बैडमिंटन में अंडर 13 सबसे पहला प्रतियोगिता का यही चरण होता है, यहाँ से बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने गोरखपुर में अंडर 13 इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। यह 3 दिन चलेगी, 8, 9, 10 जून। 10 जून को पुरस्कार वितरण होगा। आज इसका उद्घाटन हमारे मत्स्य पालन मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के द्वारा किया जाएगा और निश्चित रूप से जितने प्लेयर पूरे प्रदेश से आए हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है। हमारी गोरखपुर की बेटी आदित्या जिसने मूक बधिर में गोल्ड मेडल ब्राज़ील में जीता था टीम के साथ, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है जनरल कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रतियोगिता, एक अच्छा खेल नगर को देखने को मिलेगा और जो हमारे गोरखपुर के बच्चे हैं उनको पूरे प्रदेश के बच्चों के साथ एक अच्छी प्रतियोगिता करने को मिलेगी जिससे उनके खेल में सुधार होगा। देखिए, ये पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया है हमारे पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के नाम पे एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता की शुरुआत हम लोगों ने पिछले साल की थी। इस बार जो है उन्हीं के नाम पे, पहले तो वो रीजन वाली थी पिछली बार, इस बार प्रदेश की ये प्रतियोगिता है अंडर 13 की। और चूंकि स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी इस प्रदेश के स्पोर्ट्स मंत्री भी रहे, उनका एक लगाव रहा इस खेल के प्रति, उनके मन में एक ये भावना रही कि हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं अच्छी मिले और खेल के क्षेत्र में भी, क्योंकि खेल का जीवन के अंदर उनके जीवन के अनुशासन के लिए खेल का बहुत बड़ा स्थान है। तो ये हमेशा से उनका उनकी एक कामना रही, इच्छा रही कि खेल का पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो बहुत ही अल्प समय के लिए वो इस प्रदेश के खेल मंत्री रहे और उस अल्प समय में ही 1-2 स्टेडियमों का निर्माण उन्होंने करवाया था। लखनऊ में भी एक स्टेडियम का निर्माण हुआ था जिसको बाद में अंबेडकर पार्क के विस्तार में उसको तोड़ दिया गया था, उस स्टेडियम का भी उद्घाटन उन्होंने ही किया था। लेकिन अब उनके उस भावना का ही हम लोग आदर करते हुए उनके नाम पे एक इस तरीके की प्रतियोगिता का शुरुआत किए हैं। देखिए, क्रिकेट की तो धूम बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण है और मीडिया और लोगों के बीच में उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और भी ऐसे तमाम स्पोर्ट्स हैं, ऐसे गेम्स हैं जिसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और जिसमें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, ज़िले में उसमें प्रतिभाएं हैं, उनको उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। आज यहाँ देखिए, मंगेशकर पांडे जी बैठे हुए हैं, राजीव जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है और इतने व्यस्तम समय के बाद भी ये लोग पूरा दिन जो है टूर्नामेंट में देते हैं। तो इस तरीके के कमिटमेंट का एक, इस तरीके का एक जो वातावरण मिला हुआ है गोरखपुर में, और गोरखपुर ने पहले भी बैडमिंटन के क्षेत्र में बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हुए हैं। सैयद मोदी यहीं से निकल के गए हैं, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, नेशनल चैम्पियन रहे। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनको अगर हम सुविधा दें, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दें, तो वो जिले का और प्रदेश का, देश का नाम जो है गौरवान्वित कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के एक इस आयोजन को प्रमोट करने का निर्णय लिया और आज आप स्वयं देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में बच्चे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, बच्चियां पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर मैं समझता हूँ कि गोरखपुर ज़िले में इस तरीके का आयोजन हो रहा है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे लोकल बच्चे जो हैं उसमें जुड़ करके अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इसी दिशा में ये प्रयास है और हम लोग
उस कोशिश में लगे हुए हैं। कितने दिवस के हैं? 3 दिन का है ये, आज इसकी शुरुआत हुई है, कल नहीं परसों इसका समापन हो जाएगा।